press the bell icon on the YouTube app and never. ये जो इमामबाड़े का लोग, ये जो मजार का लोग, ये सारा लोग 98% सुन्नी मुसलमानों का है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग। हालांकि इन सुन्नी मुसलमानों को बहुत अच्छे से पता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बयान है अल कुरान के अंदर कि जो भी मजार परस्ती करेगा उसको जन्नत का दरवाजा और जन्नत की खुशबू मुयस्सर नहीं होगी, नहीं होगी, फिर भी ये मजार परस्ती करवा रहे हैं क्योंकि उससे पैसा आ रहा है। हर वो मुसलमान माँ बाप, किसी भी फिरके का होगा इस्लाम में, हर वो माँ बाप नाकाम मुसलमान है जो अपने बच्चों को दीनी तालीम और अल कुरान की तालीम देने के लिए मदरसा भिजवा रहा है, मेरा बेटा मुझसे दीनी तालीम लेगा, मदरसा जाने की जरूरत नहीं है, तो ये भी इजी इनकम का एक एक जरिया है। अब आती है बात इमामबाड़े, पाकिस्तान में इमामबाड़े टूट रहे हैं पर यहाँ नहीं तोड़ सकती हैं आप, नहीं तोड़ सकती हैं क्योंकि उस इमामबाड़े से इस्लाम को ये लोग मजबूत करते हैं। और जब जैसे ही ये जो स्टेटमेंट दिया है जिसने भी, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि भारत में इनके दिमाग में अब बस एक ही चीज है कि हम अंदर में लड़ेंगे आपस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की दो बेबाक और शिक्षित महिलाओं को, एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी को जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील और हम सबकी चहेती नाजिया लाई खान जी जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पे डाल चुके हैं जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, किसी बड़े फिल्म स्टार के भाई का बताया जाता है, मुझे पता नहीं कि वो सच में उनके भाई हैं या नहीं, जो ये कहते हैं कि मुसलमानों और हिंदुओं में फर्क इतना है कि अगर किसी मुसलमान को छेड़ोगे तो 10 कदम पर कोई ना कोई मस्जिद होगी, वहां से एकदम से झुंड आ जाएगा, और इसलिए हिंदू जो है मुसलमानों से डरते हैं। और मैंने शायद वो वाला वीडियो आपको भेजा भी था। तो ये अगर ये 71-72 फिरके हैं तो फिर इतनी एकता ये कैसे दिखाते हैं जबकि आपस में इनमें एक तरह से जंग मची हुई है कि तू मेरे मस्जिद में मत आना, मैं तेरे मस्जिद में नहीं आऊंगा। और मुझे जानकर हैरानी हुई है कि दो फिरके तो ऐसे जिनको कि हज करने की भी परमिशन नहीं है। देखिए, ये जो मदरसा का लोग, ये जो इमामबाड़े का लोग, ये जो मजार का लोग, ये सारा लोग 98% सुन्नी मुसलमानों का है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग। हालांकि इन सुन्नी मुसलमानों को बहुत अच्छे से पता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बयान है अल कुरान के अंदर कि जो भी मजार परस्ती करेगा उसको जन्नत का दरवाजा और जन्नत की खुशबू मुयस्सर नहीं होगी, नहीं होगी, फिर भी ये मजार परस्ती करवा रहे हैं क्योंकि उससे पैसा आ रहा है। हर वो मुसलमान माँ बाप, किसी भी फिरके का होगा इस्लाम में, हर वो माँ बाप नाकाम मुसलमान है जो अपने बच्चों को दीनी तालीम और अल कुरान की तालीम देने के लिए मदरसा भिजवा रहा है, मेरा बेटा मुझसे दीनी तालीम लेगा, मदरसा जाने की जरूरत नहीं है, तो ये भी इजी इनकम का एक एक जरिया है। अब आती है बात इमामबाड़े, पाकिस्तान में इमामबाड़े टूट रहे हैं पर यहाँ नहीं तोड़ सकती हैं आप, नहीं तोड़ सकती हैं क्योंकि उस इमामबाड़े से इस्लाम को ये लोग मजबूत करते हैं। और जब जैसे ही ये जो स्टेटमेंट दिया है जिसने भी, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि भारत में इनके दिमाग में अब बस एक ही चीज है कि हम अंदर में लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, इस बात को हम बाहर नहीं आने देंगे। और ये एग्जैक्ट जो ऑपोजिट जो फीलिंग्स है, और जो ये लोग इतने वोकल हिंदू होकर के बोलते हैं, अरे मैं तो ब्राह्मण हूं, अरे तू तो क्षत्रिय है, अरे तू तो यादव है, अरे तू तो डोम है, अरे तू तो कुम्हार है, ये हिंदू करते हैं बाहर आकर के, लेकिन मुसलमान जो है वो अंदर में काटेगा, मारेगा, एक दूसरे को लूटेगा, एक दूसरे को खत्म करेगा, पर बाहर पता नहीं चलने देगा। बाहर वो यही दिखाएगा कि हम सब एक हैं। आप देखिए अवेसी बोलता है हम 20 करोड़ की आबादी, महमूद मदनी यही बोलता है हम 20 करोड़ की आबादी, अरशद मदनी यही बोलता है हम 20 करोड़ की आबादी, पर अगर जैसे ही उसमें से कोई 5 पत्रकार उठ करके कह दे कि इस 20 करोड़ में शिया भी आपके हैं, वो चुप हो जाएगा।
अब हुआ क्या है अंजू जी कि पिछले 77 साल से इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी से हिंदुओं को और बाकी धर्मों को इतना ज्यादा डरा दिया है इस्लाम से कि बेचारे कोई कुछ पूछना ही नहीं चाहते हैं, कोई सवाल ही नहीं करना चाहते हैं। और इंटेंशनली नुपुर शर्मा वाला एपिसोड करवाया गया है ताकि अगर किसी की जुबान खुले भी तो नुपुर शर्मा का एपिसोड देख करके उसकी जुबान बंद हो जाएगी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को भी दूंगी कि अगर किसी ने सच को सामने रखा है लेकिन वोकल अंदाज में रखा है तो उसको सपोर्ट करने की जरूरत थी और उसकी बात को सही से विद एविडेंस रखवाने की जरूरत थी अलग अलग प्लेटफॉर्म में, ना के उसको पर्दानशी करके उसको अंदर घर में बैठा देना चाहिए था। ठीक है, अब मेरा मानना ऐसा है कि हम जैसी मुसलमान बेटियां सिर्फ 10 आ जाए, सिर्फ 10, मैं अभी अकेले हूं, सिर्फ 10 आ जाए, मैं तो भीड़ में सामने सामने पूछ लूं, एकदम सामने पूछ लूं मैं कि ये जो तुम 20 करोड़ पर जो तुम छाती पीट रहे हो, क्या इसमें वहाबी और अहमदिया भी आ रहा है, क्या इसमें शिया भी आ रहा है जिससे तुम बेइंतहा नफरत करते हो। आपको याद होगा कि हमने बहुत सारे वीडियो किए थे और हम लोग साथ में बैठे थे डिस्कशन के लिए जब इसराइल और फलस्तीन और हमास के कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे जिसमें ईरान मदद कर रहा था हमास और फलस्तीन को, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि फलस्तीन का एक डेड बॉडी, एक लाश अगर ईरान में भेज दिया जाए ईरान उड़ा के फेंक देगा, क्योंकि ईरान फलस्तीनी मुसलमान को कभी अपने कब्रिस्तान में दफनाना ही दफनाएगा ही नहीं। तो ये अंदर है। और दूसरी चीज है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग बन करके बैठते हैं लेकिन सनातनियों को डराने के लिए अंदर में इनका बहुत झगड़ा है। पर नाजिया जी, राहुल गांधी तो सदन के अंदर खड़े होकर ये भी कह रहे थे कि डर का माहौल है, बहुत लोगों को यहाँ डर लगता है, और वो तो यहाँ तक कह गए कि शिव जी की बारात में तो सारे धर्मों के लोग शामिल हुए थे। मुझे तो समझ ही नहीं आता किसने उनको बताया कि उस वक्त कितने धर्म थे। देखिए, राहुल गांधी जी का प्रॉब्लम है, आप एक सनातन धर्म की के घर की बेटी हैं, एक सनातन धर्म के हस्बैंड की पति की आप ब्याहता हैं, तो आपकी बेटी से अगर हम पूछेंगे बेटा हनुमान चालीसा का अर्थ क्या निकलता है तो वो बड़े धड़ल्ले से बताएगी, बड़ी खुशी खुशी बताएगी, क्योंकि उसको माता और पिता दोनों से ये संस्कार भी मिले हैं और ये एडुकेशन जानकारी भी मिली है। अब मेरे अम्मी और अब्बा दोनों मुसलमान है तो मुझसे इस्लाम के बारे में कोई नहीं जीत सकता है, क्योंकि उन्होंने मुझे इस्लामिक जो एडुकेशन दिया है वो मुल्ला मौलवियों से बेहतर दिया है। अच्छी बातें भी उन्होंने खोलकर बताई हैं और बुरी बातें भी उन्होंने खोलकर मुझे बताई हैं। अब राहुल गांधी जी का प्रॉब्लम ये है कि घर के अंदर एंटर होते ही उनको क्रिश्चियन बनना पड़ता है, मुसलमानों के वोट के लिए उनको मुसलमान बन जाना पड़ता है, और हिंदू जो लिबरल हिंदू है उनके वोट के लिए उनको थोड़ा बहुत हिंदू बनना पड़ता है, फिर बनना पड़ता है हाँ, और फिर बाबर के कब्रिस्तान जाते हैं तो उनको मुगलिया बनना पड़ता है, तो इसमें वो बेचारे कश्मकश में फंस गए हैं और किसी की भी जानकारी पूरी नहीं कर पाए, सारी जानकारी अधूरी रख लिए हैं और उसी को वो बोलते रहते हैं। पर इस बात इस चीज का मैं पूरा जो मतलब गलत मिस इन्फॉर्मेशन जो राहुल गांधी को कर रहे हैं वो ये 4-5-6 लोग हैं जो गलत जो कर रहे हैं। हालांकि आरफा खानम शर्वानी को पूरी बात बतानी चाहिए, जुबैर को पूरी बात बतानी चाहिए कि इस्लाम में कहां कहां पर क्या क्या चीजें हैं। इस्लाम में मुसलमान सुन्नी समाज की बेटी नहीं जा सकती मस्जिद, तो शिया के मस्जिद में सुन्नी और सुन्नी के मस्जिद में शिया तो बहुत दूर की बात है। और आप ये भी सही कह रहे हैं कि करवाएं जाती जनगणना, राहुल गांधी ने कहा है ना हम तो करवाएंगे, लेकिन साथ ही साथ उनको मुसलमानों की जनगणना भी करवानी चाहिए, उनके कितने फिरके हैं, कितनी जनसंख्या है उस हर एक फिरके में, और क्यों वो आपस में शादियां नहीं करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, मारने काटने पर उतारू रहते हैं, क्यों वो एक दूसरे की मस्जिद में नहीं जाते हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी को ये बयान भी लोकसभा में देना चाहिए, क्योंकि वो तो नेता प्रतिपक्ष, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो गलत बयानबाजी उन्होंने की है कल उसके ऊपर वो सफाई पेश करें। आपने इस मामले में एक चीज मैं अंजू जी ऐड करूंगी जी, परसों मैं दिल्ली में ही थी जब वो बड़ा तेवर से कह रहे थे कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, तो आपने अभिषेक बैनर्जी का चेहरा देखा था, पूरे गुस्से में लाल पीला हो गया था,
उसी वक्त अखिलेश यादव तो उसी वक्त आप उस वीडियो को दोबारा निकाल करके देखिए, अखिलेश यादव उसी वक्त उठ करके बाहर निकल गया था। मतलब केकड़े की तरह आपस में लड़ रहे हैं, जैसे एक मुसलमान चार बीवी रखता है ना तो सब आपस में लड़ती है, वैसे ही राहुल गांधी है। ममता बनर्जी ने तो वैसे भी, आपको याद होगा अखिलेश यादव जब कलकत्ता आए थे तो साफ हो गया था कि ममता बनर्जी और कम से कम अखिलेश यादव अब राहुल गांधी को नहीं मानते अपना लीडर। वो है वो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, लेकिन वो बिहेव ऐसे करते हैं कि पूरे के पूरे विपक्ष के नेता बन गए हैं। तो अब कहीं ना कहीं अखिलेश को भी समझ में आ रहा है, ममता बनर्जी को भी समझ में आ रहा है, तो इसलिए वो उनके चंगुल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो हड़बड़ाहट, वो खिसियानापन जो था वो इसीलिए देखने को मिल रहा था। लेकिन ये जो मुसलमानों के इतने फिरके हैं और क्यों एक दूसरे से अलग हैं, इसको लेकर जो विस्तार से जानकारी आपने मेरे दर्शकों को दी है नाजिया जी, मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंजू पंकज जी और नाजिया लाई खान जी का पूरा डिस्कशन और दमदार बातें आपको काफी पसंद आएंगी। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा नाजिया खान जी ने ना सिर्फ मदरसा छापों को जमके लताड़ा बल्कि जो मुल्ला मौलवी हैं उनको भी दबा के एक्सपोज किया। और आपने देखा नाजिया खान जी ने नुपुर शर्मा की बात की जो कि एक बीजेपी का बहुत बड़ा फेलियर था। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोज लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।